गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव हूँ। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी और ए क्यूब बी क्यूब और सी का स्क्वायर का एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है सबसे ज्यादा घात वाला। तो सबसे ज्यादा घात ए की, फिर अपन देखना है बी की, फिर देखना है सी की। तो एक ही घात सबसे ज्यादा कितनी है, एक ही घात है क्यूब में सबसे ज्यादा। अब बी वाले की स्क्वायर में यहाँ पे है बी सिंगल है, यहाँ पे है क्यूब में, तो बी की घात भी आ गई क्यूब में। सी की घात यहाँ स्क्वायर में, यहाँ सी में, यहाँ स्क्वायर में, तो यह सी की घात स्क्वायर में। तो इसका एलसीएम हो जाएगा एल सी एम बराबर एक ही घात क्यूब, बी की घात क्यूब और सी की घात स्क्वायर, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर अपन को एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ में सबसे छोटी ए ए ए और ए, तो ए कॉमन आ गया, फिर बी, बी वाले में बी आ जाएगा, ए बी और सी इसका एच सी एफ होगा। आगे देखें स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी 99, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो हो जाएगी 99 और 97 97 दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये तो हो गई दो अंकों की। अगर अपन को तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997, 997 तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, दो अंकों की हो जाएगी 97। तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पुल कितना लंबा है, 132 मीटर, ये हो जाएगा पुल 132 मीटर, ये हो गया पुल, पुल कितना है 132 मीटर और रेलगाड़ी कितनी है 110 मीटर लंबी, यह है रेलगाड़ी, यह है रेलगाड़ी, यह रेलगाड़ी हो गई, रेलगाड़ी कितनी है 110 मीटर। तो रेलगाड़ी और पुल दोनों की लंबाई को पार करेंगी तब, तो 132 प्लस 110, 132 प्लस 110 242 मीटर। रफ्तार कितनी है 72 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड में, तो 72 से 4 बार 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड, 242 बटा 20, तो यह आ जाएगा 12.1 सेकंड में। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, पी को 500 में से अधिकतम अंक में से 360 अंक मिलते हैं। पी को 500 में से कितने, पी कितने हैं, पी क्यू आर और एस, पी को 500 में से कितने मिलते हैं 360 अंक मिलते हैं। पी के अंक क्यू के अंक से 10% कम है, तो क्यू के अंक अगर पी का अगर 360 90 के बराबर है, 360 बटा 90 इंटू 100, 0 से 0 36 9 से 4 बार, तो Q का हो जाएगा 400 अंक। Q को R से 25% अधिक अंक मिलते हैं, तो 400 कितने के बराबर है, 400 125 के बराबर इंटू 100, तो ये 25 से 5 बार, ये 25 से 4 बार, ये 5 से 8 बार, 8 चौक 32, 320 अंक मिलते हैं आर को। आर को एस से 20% कम अंक मिलते हैं, तो 320 बटा 80 इंटू 100, 0 से 0, 8 चौक 32, 400 एस को 400, तो एस के अंकों का प्रतिशत तो 400 बटा कुल अंक कितना था 500 इंटू 100, 20 से 20 8 80%। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, 175 मीटर 56 मीटर और 70 मीटर का एचसीएफ ज्ञात कीजिए।
तो इन सबका एचसीएफ निकालने के लिए 175, 56 और 70 अपन को पहले इसके अंदर भाग देना है, 7 का, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 आठा 56, 7 इक्का 70, और किसी का भाग नहीं जा रहा, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा एचसीएफ बराबर 7। आगे देखें स्टूडेंट्स, छठवा क्वेश्चन, पी और क्यू क्यों दौड़कर एक वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर क्रमशः 4 मिनट और 7 मिनट में पूरा करते हैं। 4 मिनट और कितने मिनट में? 7 मिनट में पूरा करते हैं। वे एक साथ एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, जब क्यू ने 12 चक्र पूरे किए हो तो वे कितनी बार मिलेंगे, अगर समान दिशा में और विपरीत दिशा में। अगर क्यू ने अगर पी और क्यू, पी 4 और Q 7, अगर क्यू ने 12 चक्कर लगाए, क्यू ने 12 चक्कर लगाए, क्यू बराबर 12 चक्कर, तो कितने मिनट में लगा रहा है? 7 मिनट में। 12 स्ताम 84 मिनट, 84 मिनट, तो 84 मिनट के अंदर पी कितने लगाएगा? 4 की स्पीड से 21 चक्कर, 21 चक्कर लगाएगा पी, 21 चक्कर लगाएगा। तो 21 माइनस क्यों 12 लगा रहा है, तो अगर वो समान दिशा में, पहला में समान दिशा में, समान दिशा में दौड़ेंगे तो वो 21 माइनस 12 बराबर 9 बार। अगर विपरीत दिशा में, ये दूसरा हो गया विपरीत, अगर विपरीत दिशा में वो दौड़ेंगे, विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो 21 प्लस 12 बराबर 33 सेकंड। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन स्टूडेंट, सरल कीजिए, √10 + √25 + √108 + √154 + √225, तो 225 किसका होता है? 15 का। 154 और 15 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169, 169 होता है 13 का। अगर 13 इसमें जोड़ेंगे अपन, 13 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125, 169, 108, 108, 108 प्लस 21, 108 प्लस 13, 121, 121 हो जाएगा 11 का, 125 प्लस 11 ये हो जाएगा 36, 36 है 6 का, तो इस 6 जुड़ जाएगा 10 प्लस 6 रूट में, तो ये हो जाएगा √16, इसका मान हो जाएगा 4। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 10 व्यक्तियों के लिए आयोजित की गई एक पिकनिक में दो व्यक्ति निकाल दिए गए, दो व्यक्ति निकाल दिए गए, पिकनिक का खर्च उनके द्वारा बराबर साझा किया जाना था, दो व्यक्तियों के निकल जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आने वाले खर्च कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मान लेते अगर कुल खर्च कितना है, माना कुल खर्च अगर 100 रुपया है, 100 रुपया, तो प्रति अगर, तो पहले पहले 100/10 बराबर 10 रुपया। अब दो व्यक्ति निकल गए तो कितने व्यक्ति तो बचे? 8 व्यक्ति। अब बाद में 100/8, 100/8 कितना हो गया? 12.5, 12.5, तो 12.5 माइनस पहले का 10, कितना खर्चा बढ़ गया? 2.5, 2.5, तो 2.5/10 × 100, पॉइंटर जाएगा नीचे आ जाएगा 0, 100 से 100 चला जाएगा, 25% की वृद्धि होगी। नौवां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक वस्तु का मूल्य 380 है, लाभ लागत का 20% है, जबकि पैकिंग वे बिक्री का 5% है,
किंगवे बिक्री का 5% कुल बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुल बिक्री मूल्य लाभ लागत का कितना है, 20% प्लस 5%, ये 20 प्लस 5 प्लस 20 इंटू 5/100, ये कुल कुल वृद्धि हो रही है। तो 20 5 25 प्लस 20 5 100, 100 से 100 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा इधर, 25 1 26%, तो ये हो जाएगा 380। 380 प्लस 380/100 इंटू 26, 0 से 0 26 इंटू 38, 26 इंटू 38 आ जाएगा 988, 0 अट जाएगा, क्या आ जाएगा 98.8। तो 380 तो पहले वाला प्लस 98.8, तो ये हो जाएगा 480 लगभग। आगे देखें स्टूडेंट्स, 10वां क्वेश्चन, पी और क्यू अलग अलग किसी काम को 8 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कि कितने दिन में, 8 दिन में। क्यों कितने दिन में, 16 दिन में। दोनों का लघुत्तम 16, 8 × 16, 16 × 1 = 16। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया जबकि काम पूरा हो गया, तो 16 काम 2 और 1 = 3 की स्पीड से, तो 5 सही 1/3 दिन में। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन, एक वृक्ष की भुजा को 20% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। माना कि पहले अगर किसी वृक्ष का पहले पहले किसी वृक्ष का की भुजा अगर 10 है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100। अगर इसकी भुजा 20% बढ़ा दी अपन तो इसकी हो जाएगी 12। अब उसका ए स्क्वायर हो जाएगा 144। कितने की वृद्धि हो गई, 44% की। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2800 और 5 वर्ष में 3250, 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 5 वर्ष में 3250, 2 वर्ष में 2800, 0 5 12, 12 में से 8 चला गया तो 4 450, कितने साल में, 3 साल में। तो 1 साल में कितनी बढ़ रही है, 150, 150, 1 साल में 150 बढ़ रही है, तो 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी, 300। तो 2800 माइनस 300 बराबर कितना धनराशि हो जाएगी, 2500 मूलधन, मूलधन मूलधन बराबर 2500। ब्याज कितना है, 1 साल का 150, राशि कितनी है 2500/100, 0 से 0, 2 0 से 2 0, 25 ठीक है, तो 6% दर हो जाएगी, 6%। आगे देखे 13वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 2.00589 में 5 का स्थानीय मान, 5 का क्या निकालना है, स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान होगा 2.00589, तो 5/5/ कितना, 5/5 कितना है, छोड़ के 0, 3, 1 2 3, 5/1000। आगे देखे स्टूडेंट्स, 14वां क्वेश्चन, प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी। प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र कितनी थी, 38 वर्ष, पिता 38 वर्ष थी। उसके उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र कितनी थी, 36। पिता और माता की कितनी थी, 36, 4 वर्ष छोटे, तो उस समय कितनी होगी उसकी उम्र, 4 वर्ष, तो इसकी हो जाएगी 40 उस समय, और उसकी हो जाएगी 42, 40 और 42। उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है, उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है,
उसकी माँ उसके पिता से 42 माइनस 36 वर्ष, उसमें उसकी माँ 6 वर्ष। आगे देखें स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन, यदि 0.001 बटा अक्ष बराबर 0.01, तो ये हो जाएगा 0.001 बटा 0.0001, तो ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 1000, 20 से 20, 1/10 का मान आ जाएगा 0.1। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:3। माँ और बेटी अनुपात कितना है? 8:3। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 21 होगा। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। 2:1, ये 12 वर्ष के बाद 2:1, तो 8 1 8 - 3 2 6, तो ये हो जाएगा 2 अक्ष बराबर 12 2 24, 12 1 12, 24 में से 12 चला गया, 12 अक्ष बराबर आ गया 6, तो उनकी आयु का वर्तमान योग 8 और 3 11 × 6 66 वर्ष। आगे देखें स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन, दो स्थान P और Q से एक दूसरे से 400 मील दूरी पर स्थित है। कितने मील दूरी पर है? 400 मील, 400 ये P और ये Q, कितना दूरी पर है? 400 मील दूरी पर स्थित है। P से एक कार Q की ओर 50 मील प्रति घंटे, तो ये 50 मील प्रति हावर चलना शुरू करती है, और 75 मिनट के बाद एक कार Q से P की ओर 40 मील, ये Q से P की ओर कितने मील? 40 मील प्रति आवर, तो ये कितने मिनट बाद? 75 मिनट बाद। 75 मिनट के का मतलब हो गया 5/4, 5/4 50 प्लस 50, 1 घंटा 50 और 12.5, ये हो जाएगा 65 मील की दूरी तो मैं तय कर लिया। 400 - 62.5 बराबर हो जाएगा 337.5 मील की दूरी, तो 337.5, तो 337.5/50/40 90 मील प्रति रफ्तार से कितने देर में? 3.75 घंटा। आगे देखें स्टूडेंट्स, किसी धनराशि का 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 होगा, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज होगा? 10 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज कितना है? 600। कुल साधारण ब्याज कितना है? 600। 1/10 600/10 बराबर 60, कितने साल का हो गया? 1 साल का, तो 5 साल में 60 × 5 साल में कितना हो गया? 300। 300 को कितना बढ़ाना है? तिगुना, 300 × 3 बराबर 900, तो 300 तो 5 साल पहले वाला प्लस 900 5 साल बाद वाला, 300 और 900, 1200 रुपया। आगे देखें स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, उस गनाब का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 24 सेमी, ऊंचाई 18 सेमी और चौड़ाई, लंबाई 24 सेमी और ऊंचाई 16 सेमी और चौड़ाई 18 सेमी। तो गनाब का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, गनाब का आयतन होता है
आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है 24, इंटू चौड़ाई कितनी है 18, इंटू ऊंचाई कितनी है 16। 24 इंटू 18 इंटू 16 तो ये हो जाएगा 6912 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखें स्टूडेंट्स, 20वां क्वेश्चन सरल कीजिए। 121 बटा, तो 121 बटा कितना है, 3 3 9 और 2 11, 11 बटा 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस 92 बटा 3 7 21, 21 1 22, 22 बटा 3, तो 22, तो 3 ऊपर चला जाएगा इसमें भी। ये 121 से 11, तो 11 3 33 प्लस 11 3 33 प्लस 22 से 22 दो बार, दो बार नहीं, 2 से 11 बार, 2 से 11 बार, ये 2 से 46 बार, 46 × 3 138 बटा 11, ये हो जाएगा 11 को इससे मल्टीप्लाई, तो ये में से 33 प्लस 11 1 11 कितना बच गया 2, 11 2 22, 6 बटा 11, 33 और 33 प्लस 12 सही, तो ये हो जाएगा 45 सही, 6 बटा 11। आगे देखें स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, पी कोई काम 4 घंटे में, पी कोई काम 4 घंटे में, क्यू और आर मिलकर, क्यू और आर, क्यू प्लस आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में, जबकि पी प्लस आर मिलकर इसी काम को 2 घंटे में। इन सब का लघुत्तम 12, 4 3 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 2 6 12, क्यों अकेला इसी काम को, तो पी की स्पीड कितनी आ गई 3 की, तो आर की स्पीड भी आएगी 3 की, अगर आर की स्पीड 3 की है तो क्योंकि 1 की, तो 12 काम 1 की स्पीड से 12 घंटे में। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।